सो हे फ्रेंड्स, टुडे एक और यूट्यूबर मेरे साथ एंड दिस वीडियो गाइस बहुत स्पेशल। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि सीख तो लेते हैं बट वी डोंट नो व्हाट इज अबाउट स्कोप एंड व्हाट अबाउट करियर एंड आफ्टर इंग्लिश लर्निंग क्या होता है। सो बेसिकली देयर इज अ पर्सन एंड विद मी एंड ही हैज आल्सो बीन माय स्टूडेंट। लकीली आई वुड से आई एम सो fortunate to have a student like him and he's Yashwant. Most of you have seen him in his YouTube video as well and Yashwant Kandari. Please just don't forget to subscribe his channel also because this guy is also putting much effort guys. बहुत effort डालता है सच में, really I'm genuinely appreciating him. So काफी लंबे समय सोच रहा था yes I should really call him on my channel but I did not get some time, but fortunately today I have got some time so I'm going to spend my day with him. So friends, let's practically समझिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे जो इंग्लिश सीखने के बाद BPOs में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करना चाहते हैं, नाइट कॉल सेंटर्स, आउट ऑफ इंडिया के लिए जो काम करना चाहते हैं, क्या मैटर है इंग्लिश का, क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी ज़्यादा सच में रियली उतनी डिमांड होती है नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल डिमांड नहीं होती। इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, क्या राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, सो मेनी डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो एवरीवन हूएवर आज होवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज वॉच टिल द एंड बिकॉज सो दैट यू कैन रियली क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स। ओके, लेट्स जस्ट गो टू यशवंत। यशवंत, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट लाइक व्हाट अबाउट इंटरव्यूज, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज डज अ पर्सन हैव टू गो थ्रू टू क्रैक द बीपीओ इंटरव्यू? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ओके, तो जितनी मतलब बढ़िया कंपनी होती है उस हिसाब से उनके राउंड होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 3 and 4 राउंड। सो बेसिकली फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड एचआर राउंड। सो एचआर, इन एचआर राउंड दे कैन बी आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन बेसिकली एंड अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड लाइक अ मेमोरेबल डे एंड व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट वीकेंड। About your introduction and your strength, weakness, what did you do in your last weekend and something memorable day of your life. So if you are a fresher, if you are an experienced person and if you go for interview in any company, then they will ask for like your experience, what was your job role in your last company, and any memorable day in your company. So all basically you have to exaggerate your experience, how did you manage your work and what kind of work you used to do in your BPO company, if any kind of experience you have to share. That's great. Okay, that's true. सो प्लीज गाइज, प्लीज सिट विद पेन एंड नोट पैड, आप एक पैड जरूर मेंटेन करें एंड प्लीज कलेक्ट सम ग्रेट नोट्स, एक अच्छा आर्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं इसके ऊपर भी। गाइज वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन है यशवंत, मैंने स्टूडेंट से कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर ना स्क्रिप्टिंग होती है, आपको फिक्स डायलॉग बोलने होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कितने राउंड मिनिमम कितने राउंड्स का इंटरव्यू होता है पहले ये बता दीजिए आप। बेसिकली जब मैं सेकंड ईयर में था, व्हेन आई जस्ट कंप्लीट माय फर्स्ट ईयर एंड व्हेन आई केम टू द सेकंड ईयर, देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। इट वाज माय फर्स्ट कंपनी एंड कंपनी नेम वाज फाल्कन फोर्स। सो जस्ट कोई ऐसा प्लान नहीं था, जस्ट आई गॉट अ कॉन्टैक्ट नंबर वन ऑफ माई फ्रेंड एंड ही सेड दैट लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट, हाँ, जस्ट एज ए कैजुअली आई वेंट देयर एंड जस्ट देयर वॉज ओनली वन राउंड एंड शी एंड आई वॉज फ्रेशर, देन शी आस्क अबाउट माई इंट्रोडक्शन and understand their weakness and same memorable day. That's it, she asked, and I had been selected for that company and I was paid 15,000 for a month and boss at care was also available, so the 10-hour shift, and that's all about the, and if you are asking about the scripted and all, so see, if you have been joined in the company and you, whenever you receive the call, there the script is all about opening and closing. बट जो बीच का मैटर है वो तो आपको ही संभालना है। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस राइट नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर यू आर गोइंग टू फेस राइट नाउ, दैट्स ऑल द सिचुएशन। एंड वहाँ पे एक सिनेरियो नहीं होता, सिनेरियो बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि आप स्क्रिप्टेड है तो आपके पास एक ही चीज लिमिटेड है कि आप जानते ही हो, क्या पता कस्टमर अब क्या दूसरी चीज लेके आ जाए आपके पास, देन आप कैसे टैकल करोगे। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप जानते हो कि अगर कस्टमर ये इशू लेके आएगा तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल कर लूँगा, देन आपको ये कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप कर लोगे। अगर आप सोचोगे मैं स्क्रिप्ट के बेस पे बैठा रहूँगा तो फिर तो नहीं कर पाओगे, देन आप डम बन के चुप रह जाओ। अगर कस्टमर हेलो हेलो बोलता रहेगा, आर यू लिसनिंग मी, वो कॉल वहीं खत्म हो जाएगी फिर। इट मीन्स दैट कि जो एम्प्लॉई है उसको वहाँ पे कुछ ऐसे अनसर्टेन क्वेरीज या फिर कस्टमर के ऑब्जेक्शन को डील करना पड़ता है, हमें खुद नहीं पता रहता था कि एडवांस काफी हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट द आवर्स एंड लाइक रूटीन क्या होता है? बेसिकली सुना है कि बीपीओज में बेसिकली एम्प्लॉय को नाइट शिफ्ट में ही करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन में वहाँ पर मॉर्निंग होती है, तो बेसिकली रूटीन में कुछ शफलिंग के इश्यूज होते हैं लाइक इन द बिगिनिंग, जब ज्वाइन करोगे तो देयर वुड बी समथिंग, बिकॉज कई बार ना जो स्टूडेंट्स होते हैं
after passing 12th and 11th, they think like, huh, they don't want to compromise the routine, the type of routine they are going to get into, like the corporate culture mein hone wala hai. So tell us something about like routine shuffling, kaise morning kya aapko routine night ka apna rakhna padega. Basically ye international jo BPO hai, to isme obviously baat hai ki aapki jo sari jo shift hoengi wo almost sari night ki hoti hai. Aur jo shift start hoti hai wo hoti hai matlab evening se 4 baje ya 5 baje se start hoti hai. Waise 24/7 hoti hai, jo bhi BPOs hai, multinational company hoti hai, 24/7 hoti hai. बट डिपेंड करता है कि कहाँ पर काम की ज्यादा जरूरत है और कौन बंदा कितना कर सकता है. बाकी वो कंपनी का अपना पर्सनल होता है कि हाँ किस बंदे को वो कौन सी शिफ्ट में रखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती. मॉर्निंग की भी शिफ्ट होती है बट ज्यादातर नाइट में ही रखते हैं. ओके, एंड व्हाट अबाउट कैब फैसिलिटीज, क्योंकि कुछ जो मैंने जो एम्प्लॉय जिनको लगता है कि यार हमें स्टार्टिंग में पता चल जाए कि हमारे सैलरी में से उसके पैसे सैलरी डिडक्ट होंगे या तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा उसके लिए खुद अपनी पॉकेट मनी से. सो व्हाट अबाउट द कैब फैसिलिटीज, लाइक डज द कंपनी पे ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय और लाइक डज एन एम्प्लॉय हैव टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट मनी? दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंपनीज पॉलिसीज. ओके, यस, इफ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड clear about all the cab facilities and all the allowance. If company is giving the all the cab, like जो भी company अगर आपको पैसा दे रही है, अगर company अपने भी आप पर दे रही है आपको cab का पैसा, then okay, वो तो सब आपको डिपेंड करता है कि आप एग्री होते हैं इस चीज़ से कि नहीं होते हैं. सारी चीज़ उसी पर डिपेंड करती है. कोई कंपनी होती है कैब नहीं देती है, यू हैव टू ट्रेवल बाई योर ऑन. और कई कंपनी होती है जो बहुत साइड कैब देती है, कई कंपनी ऐसी होती है. जो मेरी सेकंड कंपनी थी उसमें क्या था, ओनली वन साइड का था. अगर मैं शाम को जा रहा हूँ, मेरा मेरी जो शिफ्ट अगर स्टार्ट हो रही है इवनिंग से, तो क्या होता था मुझे खुद जाना पड़ता था और रात को छुट्टी होती थी, तो आते टाइम कैब मिलती थी मुझे, क्योंकि नाइट को तो कोई मेट्रो या फिर कोई भी ट्रैवल ओपन नहीं होता था ना, तो कैब मिलती थी रात के टाइम. तो ऐसे ही होता है, कोई कंपनी बहुत साइड कैब देती है, कोई नहीं देती है, कहीं तो मतलब देती ही नहीं है, खुद आपको मैनेज करना पड़ता है. तो आपको ये रहेगा कि आप पहले ही क्लियर कर लो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो जो भी है आपके डाउट है वो सब क्लियर करके रख लो पहले से. ओके श्योर. सो अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत कैंडिडेट वीडियो बना ही रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का माइंड क्वेश्चन है सर जॉब लगेगी कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस एंड बिगिन कैसे होते हैं, ट्रिगर कैसे होता है प्रोसेस, क्योंकि यार रेफरेंस एक बड़ा मैटर है. बंदूक का जान पहचान में कोई नहीं है, मेरे जान पहचान में जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक आपके हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा होता हूँ, बट रियली जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो बहुत एक्सलेंट इंग्लिश है, अच्छे एक्सेंट है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइक रेफरेंस नहीं होने के कारण दे डोंट गेट जॉब. सो जस्ट यू टेल मी लाइक हाउ कैन they start this journey of BPO. If anybody wants to work in BPO sector, so basically there are many contact number, like many website as well, application like naukri.com, LinkedIn, where you can update your profile and you can share all the resume, whatever resume you have made, you can upload your resume and whatever your profile you have, you can create there. And काफ़ी सारी कंसल्टेंसी भी होती है जहाँ पे मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और काफ़ी सारी मतलब ऐसा मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि कंसल्टेंसी ऐसी वाली होती है जो चार्जेस भी लेती है. आप उनका कॉल आएगा आपके पास और वो अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप कोई चार्जेस वगैरह ले रहे हैं, बट वो वहाँ पे कॉल पे आपको बोलेंगे नहीं हम चार्जेस नहीं ले रहे, बट जब वहाँ पे विजिट करते हैं देन उसके बाद आपको पता चलता है भाई ये तो चार्जेस ले रहे हैं. मैंने भी सुना है काफ़ी ऐसा स्कैम जैसा. तो भाई पहले कॉल पे ही क्लियर कर लेना हर चीज़. और काफ़ी ये नेहरू पैलेस साइड ऐसी जगह पे तो ऐसी कंसल्टेंसी है जहाँ पे भाई पैसे ही पैसे लेते हैं, और वो कुछ लगाते भी नहीं खास जॉब आपके, वही लगाते हैं वो 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस प्लीज जस्ट नोट दिस डाउन, 11-12 हज़ार रुपये की नौकरी लगाते हैं. तो बस यही करना कि आप जब भी एक तो आप एक बार मेरे को डायरेक्ट DM भी कर देना इंस्टाग्राम पर अगर आपको चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बतेरे पड़े हुए कंसल्टेंसी वालों का नंबर, और वो मतलब आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, वो पूरे एफर्ट डालते हैं आपको मतलब कंपनी में ज्वाइन कराने का पूरा एफर्ट डालते हैं और कोई चार्जेस नहीं, क्योंकि जो उनका कॉन्टैक्ट रहता है वो रहता है कंपनी से, वो लेते हैं पैसे कंपनी से, आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे. और बाकी क्या है LinkedIn वगैरह naukri.com होगा वहाँ पर डाल लो, तो वहाँ पर तो आपको भाई कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते जो कॉल करते हैं डायरेक्ट, और आप पहले ही कंफर्म कर लो कोई चार्जेस हैं कि नहीं है, और जो भी आपके डाउट्स है कैब वगैरह सैलरी राउंड्स वगैरह कितने होंगे क्या होगा सब चीज़ क्लियर कर लो कॉल पे ही पहले. उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है. That's true, really. And I'll also mention his Instagram ID in the description, guys. So don't forget to contact there. Any of you, अगर कोई और भी डाउट आपका, बिकॉज हमारा थोड़ा शॉर्ट सा सेशन है, माइंड भी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई, बट द पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, रियली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बींग अ टीचर, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करा एज द यशवंत हैज डन, एंड आई रियली वॉन्टेड दैट कि आप सभी को एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो टुडे जस्ट यू हैव सी लिसन टू अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ द BPO, हाउ डज दिस ऑल थिंग्स एंटायर प्रोजेक्ट इज फंक्शनिंग देयर. ओके, सो प्लीज़
really just leave your comment below. If you have any query, any doubt, any more questions remains there, please drop any comment, and please we'll try to settle all the doubts in the future videos. Thank you so much for watching till the end, guys. Take care, bye bye, and please see you in the next video. Thank you.